इस प्रश्न में हम दी गई आकृति ये निर्देशांक कार्यतल दिया है, इस कार्यतल में हमें बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। दी गई आकृति को देख करके हमें निम्न के आंसर देने हैं। आंसर देने का अर्थ है इस बिंदु को, इस कार्यतल को अच्छी तरह से देखना है और इसमें जो भी बिंदु हैं उनके हमें निर्देशांक लिखने हैं, ठीक है ना। निर्देशांक किस प्रकार लिखेंगे वो हम पहले आपको बता चुके हैं। और किस प्रकार, देखो पहला हमारा जो सवाल ये सवाल है बी के निर्देशांक, किसके हैं बी के निर्देशांक, आकृति को देख रहे हैं बी के निर्देशांक लिखने हैं। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, पहले हमने बताया है कि हम किस पे चले, पहले किस पे चलते हैं एक्स एक्स, तो एक्स एक्स पे चलेंगे तो एक्स एक्स की गिनेंगे 1 2 3 4 5 और वाई एक्स को कितना 1 और 2, कितना हो जाएंगे इसके निर्देशांक, निर्देशांक हो जाएंगे वो होंगे मानस के 5.2। कितने होंगे इसके निर्देशांक, मानस के 5.2, मानस के 5.2, ठीक है। इस सब कार्यतल को देख करके आंसर देना है। आगे सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी पे देखिए, बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी है ना, बिंदु सी के निर्देशांक पहले एक्स एक्स पे चलेंगे 1 2 3 4 5, फिर कितने पर 1 2 3 4 5, तो कितने होंगे 5.5, कितने होंगे 5.5। तो बिंदु सी के निर्देशांक जो होंगे होंगे मानस के 5.5। आगे निर्देशांक मानस के 3.5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, अब बिंदु कितना मानस के तीन, तो 1 2 3 मानस के 3 और मानस के 5 द्वारा पहचाना गया 1 2 3 4 5, तो मानस के द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा आपका, क्या होगा ई, क्या होगा ई होगा, क्या होगा ई, ई बिंदु के निर्देशांक माइनस के 3.5 है। इसके बाद निर्देशांक 2.-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, माइनस के निर्देशांक 2.-4, तो 2 देखेंगे कहाँ है, 2 माइनस के 2, तो माइनस के 2 और माइनस के 4 द्वारा, प्लस के 2 और माइनस के 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा जी, क्या होगा जी, इसके निर्देशांक 2.-4, क्या बिंदु होगा जी होगा, ठीक है। डी का भुज, पहले डी बिंदु डी का भुज ज्ञात करने के लिए पहले डी के निर्देशांक तो ज्ञात होने चाहिए, तो डी के निर्देशांक क्या है, डी कहाँ है, ये वाला डी के जो निर्देशांक है एक्स एक्स कितने चले, कितने चले 6, बाईस को कितना चले 2, कितना होंगे 6.2। मैंने क्या बताया था ये क्या कहलाता है भुज, ये क्या कहलाता है कोटी, कोट क्या होगा भुज, कितना होगा इसका 6, होगा आपका कितना 6। बिंदु H की कोटी, बिंदु H के निर्देशांक ज्ञात करेंगे पहले, बिंदु H के निर्देशांक क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3, कितने होंगे मानस के 5.-3, मानस के 5.-3, तो जो कोटी होगी वो क्या होगी, वो कोटी होगी आपकी मानस के 3, तो कोटी होगी क्या होगी मानस के 3 होगी। बिंदु L के निर्देशांक, अब बिंदु L देखिए, बिंदु L कहाँ है, बिंदु L कहाँ पर है बाईस की धन दिशा में, तो बाईस की धन दिशा में है, तो कहाँ क्या बिंदु होंगे, क्या होंगे 5.5, क्या होंगे इसके निर्देशांक 0.5 होंगे, क्या होंगे 0.5। अब बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M कहाँ है आपका, बिंदु M है ये बात एक्स एच की ऋण दिशा में, एक्स एच की ऋण दिशा में है, तो 1 2 3 क्या होंगे 0.0 होंगे आपके मानस के 3.0। इस प्रकार हम किसी कार्यतल को देख करके, किसी कार्यतल को देख करके, किसी आकृति को देख करके बिंदु की स्थिति को बताते हैं, बिंदु की स्थिति के निर्देशांकों का हम ज्ञान करते हैं। इस प्रकार इनको देख करके हमने जैसा आंसर दिया है, इसी प्रकार हम अन्य सवालों को भी इसी प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। निर्देशांक जानने में आपके सिलेबस में ये दो ही तरह के सवाल हैं, एक तरह का सवाल क्या होता है बिंदुओं की स्थिति निर्धारण करने वाला, और एक सवाल आता है आपका क्या क्या कि बिंदु आप कार्यतल में बिंदु दे देगा और उसके निर्देशांक पूछेगा,
तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये सवाल अच्छी तरह समझ में आए होंगे।